सूचना लाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ हो, लेकिन सेना में भर्ती को लेकर युवाओं में जोश देखते बनता है। इतने बड़े पैमाने पर युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन दिया है, इससे तो साफ लगता है कि अधिकांश युवा इस योजना का समर्थन करते हैं। शनिवार से मानकापुर के विभागीय क्रीड़ा संकुल में वीर युवाओं की अग्नि परीक्षा शुरू हुई। बड़ी तादाद में गोंदिया जिले के युवा नागपुर पहुंचे। इन युवाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सैन्य अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन ने अच्छा नियोजन भी किया है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस भर्ती प्रक्रिया में बुलढाणा को छोड़कर विदर्भ के 10 जिलों से आवेदन मंगाए गए थे। आवेदनों के संख्या के हिसाब से हर दिन अलग अलग जिले के युवाओं को परीक्षा के लिए बुलाया गया है। पहले दिन गोंदिया जिले से 1700 युवा मैदान में उतरे। शुक्रवार रात 12 बजे उम्मीदवारों को संकुल में प्रवेश दिया गया। जिलाधिकारी विपिन टनकर ने खुद सैन्य अधिकारियों के साथ व्यवस्था का जायजा लिया। तड़के 4 बजे से ही उन्हें मैदान में उतारा गया। दौड़ के बाद पुल अप्स और लॉन्ग जंप्स भी ली गई। रविवार को करीब 3087 उम्मीदवारों को बुला गया है। NBC News के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।